हाय, आज हम लोग कुछ आपके प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो। और जो आईआईटी या मेडिकल की बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो लाइफ में बहुत बार डिप्रेस होते हैं, बहुत बार फ्रस्ट्रेट होते हैं। और अच्छा करने के लिए ऐसा आप सोचोगे, जब आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन आ रही है तो ये पॉजिटिव साइन है, उससे बाहर निकलना, उससे फाइट करके आप बाहर आ जाओगे तो अच्छा करोगे। डिप्रेस होने का मतलब कि आप कुछ सोच रहे हो, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, आप सुनोगे ध्यान से तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। होता क्या है ना कि अभी हम लोग का जो अक्टूबर चल रहा है, ये अक्टूबर का मंथ है, ये एक ऐसा है जो बच्चे 12th में होते हैं ना, बोर्ड का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसी मंथ में क्विट कर देते हैं, सितंबर अक्टूबर में क्विट कर देते हैं, और लगता है कि अब उनसे नहीं हो पाएगा, मेरी बस की नहीं है, पहले बोर्ड देख लेते हैं, बोर्ड में अच्छा कर लेंगे, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा सोचना नहीं चाहते, और ज़्यादा सोचते हैं तो डिप्रेशन आती है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे। एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि देखो, डिप्रेस एक ये तो कॉमन सा प्रोसेस है कि आप डिप्रेस हो गए। हर कोई डिप्रेस होता है, अक्टूबर नवंबर जैसे जैसे आएगा हर कोई डिप्रेस होगा। अब इससे बाहर कैसे निकलना है, सोचना है क्या है, ये सोचो कि आप कुछ बड़ा से करने जा रहे हो अपने लाइफ में, तो कुछ बड़ा से करने जाओगे तो आपको पेन होगा। जितना ज़्यादा आप पेन झेल सकते हो उतना आप अच्छा करोगे। क्विट करना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक चीज़ तो निकाल ही देनी है अपने डिक्शनरी से कि क्विट कर रहे हैं। क्विट तो नहीं करेंगे, फाइट करेंगे, अच्छा करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि बोर्ड और आपका जो आपकी प्रिपरेशन है दोनों मैनेज नहीं हो पा रही है, बोर्ड और आईआईटी मैनेज नहीं हो पा रहा है, या आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। होता है क्या है ना कि मान लो ये आप ए बी और सी, ये तीन स्टूडेंट हैं हमारे पास, ए बी सी, ये तीन स्टूडेंट हैं और तीनों की कंडीशन इक्वली होती है। फैक्ट में बताओ ना कि जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सबको क्या लगने लगता है कि मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं करी। कुछ लोग होते हैं जो एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं, किसी और शॉर्ट मैं तो फोड़ने जा रहा हूँ, मैं अच्छा करने जा रहा हूँ। बाकी सबकी कंडीशन यही होती है, ए बी सी ये तीन स्टूडेंट हैं और तीनों को लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। और होता भी है कि स्टार्टिंग का जो टाइम होता है ना, 11th का बहुत सा टाइम हमारा चला जाता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो वो पुरानी जो चीज़ें जब हमने अपना टाइम वेस्ट किया है वो हमारे दिमाग में आती हैं कि यार मैंने तो पढ़ाई नहीं की और अब मैं क्रैक नहीं करूँगा। मान लो कि एक 50 ओवर का आपका एक मैच है और हम लोग को इसमें 350 बनाने थे। 350 तो एक बड़ा सा स्कोर है, देख ही रहोगी, 350 50 ओवर में 350 रन बनाने, तो बोल सकते हो ना कि 50 में 350 और आईआईटी क्रैक करना हम लोग नियरली इक्वलेंट मान ले रहे हैं। 50 ओवर में 350 मारने हैं, और स्टार्टिंग में हमारे जो दो ओपनर आए उन्होंने सही से बैटिंग नहीं करी और शुरू के 10 ओवर में बस 30 बनाए, 10 ओवर में 30 बनाए, तो देखो अपना स्कोर कितना हो गया। अब अपने को 320 चाहिए, 40 ओवर में 320 चाहिए। अब पहले रन रेट 7 का था, हम रन रेट 8 का हो चुका है। ये जो है स्टोरी है, ये एबीसी तीनों बच्चों की लाइफ में हो रही है। ये मैंने तीन बच्चे लिए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी लाइफ में ये स्टोरी होती है कि 11th का जो स्टार्टिंग होता है उन्होंने पढ़ाई नहीं करी होती है और उन्हें पता नहीं होता कि एक बड़े गेम के लिए वो जा रहे हैं, तो शुरू के 10 ओवर निकल गए कोई नहीं। फिर जो नेक्स्ट बैट्समैन आए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट 10 ओवर में उन्होंने थोड़ा सा रन बढ़ाया, 50 मारा तो 270 हो गया 30 ओवर में। मैच हाथ से निकल चुका है, लग रहा है कि अब तो 30 ओवर में 270 तो नहीं बनने हैं, तो क्विट। देखो जो क्विट कर दिया तो फिर तो मतलब ही नहीं है गेम का। एक बात तो आप ध्यान में रखो कि आपको लाइफ में विनर बनना है, लाइफ में बाजीगर बनना है, तो गेम को निकालना है, क्विट तो ऑप्शन ही नहीं है। किसी भी तरीके से गेम को निकालना है, ये सोचना है कि गेम को कैसे निकालना है। अब ठीक है, डिप्रेशन आ रही है तो लॉजिकल है यार, आपने शुरू के 20 ओवर बेकार कर दिए तो डिप्रेस हो गई, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, तो ऐसे थोड़ी कि मैच छोड़ दोगे, मैच खेलना छोड़ दोगे तो ऑप्शन ही नहीं है। गेमर बन के तो आपको रहना ही है, पूरी लाइफ में आपको गेमर बनना है, हर गेम को निकालना है। डीटी टाइम पहले तक गेम चेंज किया जा सकता है, डीडी टाइम पहले तक गेम अपने हाथ में होता है,
और ट्रस्ट करो मेरी बात पे, मैंने डीडी टाइम पहले तक गेम चेंज किए बहुत बार, आप कर सकते हो, ट्रस्ट करोगे खुद पे तो कर ले जाओगे। 30 ओवर में 270 रन चाहिए, मैच फंस गया है और आप एक बहुत अब में दम है, आप जीत सकते हो। आप आए और आपने 270 बनाने हैं। नेक्स्ट का जो 10 ओवर था, नेक्स्ट के 10 ओवर में आपने रन रेट थोड़े बढ़ाए और 70 मारे, अभी स्कोर 200 हो गया है 20 ओवर। अब देखो ये जो सिचुएशन है ना एबीसी, अब अपना कैरेक्टर टेस्ट करने की का टाइम आ गया। अब ए का हाथ पांव फूल गया, उसने बोला आप मुझसे नहीं हो सकता, मैंने क्विट कर दिया। 21 में 200 रन, अब मुझसे नहीं हो सकता यार, मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूंगा, अब मैं बोर्ड की प्रिपरेशन करूंगा। ये सोचो कि तुम बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे तो आगे क्या करोगे, तुमने तो गेम स्टार्ट किया था कि तुम आईआईटी क्रैक करने जा रहे हो, तुम एक अच्छे से मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो, तो तुम अब बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, बोर्ड की प्रिपरेशन करके क्या कर लोगे? अगर बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करनी तो स्टार्टिंग से करते, बीच में तुमने क्विट क्यों किया? एक बहुत सारी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी फैमिली की तुमसे होगी, तुम्हारे पेरेंट्स की होगी, तुम्हारे ड्रीम होंगे, वो सारे ड्रीम बस तुम इसलिए छोड़ दे रहे हो कि स्टार्टिंग में तुमने सही से मेहनत नहीं की। तो गेम तो अभी ऑन है ना, बीच में क्विट करने का कोई मतलब नहीं है। 200 चाहिए 20 ओवर में, अभी भी मैच जीत सकते हो। और तुम अगर चाह लोगे तो खुद ही बताओ, मैं आप में से मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं क्रिकेट देखते होंगे, खेलते होंगे, मुझे तो नहीं लगता कि 21 में 200 रन बनाना, अगर आप में दम है तो बड़ी बात है। अब आप सोच रहे होगे कि मेरे में दम नहीं है, अगर ऐसा किसी के मन में आता है मेरे में दम नहीं है, तो जो गॉड होते हैं वो पार्शियल नहीं होते हैं, वो सब में इक्वल एनर्जी दे के भेजते हैं, सबको इक्वल एनर्जी दे के भेजते हैं। बस हम होते हैं कि कुछ अपने को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, और कुछ उस एनर्जी को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो एक बात अपने अंदर फीड कर लो कि 20 ओवर में 200 रन हर कोई बना सकता है, हर कोई जो अपनी फैमिली से प्यार करता है, अपने पेरेंट्स से प्यार करता है, हर कोई 21 में 200 रन, मतलब 21 में 200 रन हम लोगों का क्या है, हम लोगों का है कि जब भी तुम दिल से चाहोगे, हर कोई बोलता है कि जब भी आप दिल से चाहोगे, अब मेहनत करके पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, आज से पढ़ना चालू कर दोगे, पहले का कुछ भी नहीं आता तुम्हें, बेसिक भी नहीं आता है, फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायो कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आज की डेट से भी अगर तुमने स्टार्ट कर दिया, ट्रस्ट करो मुझ पे कि तुम अच्छा कर जाओगे लाइफ में, जब तुमने डिसाइड किया कि करना है कर ले जाओगे। तो 21 में 200 था, तो ए ने तो क्विट कर दिया कि मैच गया, बी और सी फाइट कर रहे थे। अब इसमें करना क्या ना, विकेट भी बचाने हैं, जैसे 21 में 200 रन मारने तो सारी विकेट ना गिर जाए, विकेट बचाने का मतलब कि डिप्रेस नहीं होना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई रिजल्ट क्रैक करने के लिए कि आप खुद पे ट्रस्ट करो कि यार मैं एट द एंड जीत जाऊंगा। आप गैम्बलर बनो, विनर बनो, कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि क्या होगा, अपना रिजल्ट फिक्स करो कि नहीं मुझे करना है तो मुझे करना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में की कोई भी ताकत तुम्हें सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकती अगर तुम खुद पे ट्रस्ट करोगे। मुझे नहीं पता, मैं ये इस वीडियो से बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि सामने वाला जो सुन रहा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका आईक्यू क्या है, हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, वो सोच रहा हो कि सर आपको क्या पता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने पूरे 11 पढ़ाई नहीं की, मैं 12 में पढ़ नहीं पाया, मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया। कोई भी कंडीशन हो, अगर तुम चाहोगे तो तुम करोगे, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई भी कंडीशन हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत बुरा हुआ है पिछले 1 सालों में, तब भी अगर तुम चाहोगे तो तुम अच्छा करोगे। आज से डिसाइड कर लो, जो भी बुक्स अवेलेबल है, जो भी चीज़ें तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, उन टूल को कलेक्ट करो और लग जाओ अच्छा करोगे। इसी सिचुएशन में देखते हैं, 21 में 200 रन चाहिए थे, बी और सी दोनों थे। अब जिसने खुद को आखिरी डीटी टाइम तक बोला ना कि डीटी टाइम तक मैच फंसता है, डीटी टाइम पहले मैच जीता जा सकता है, जो नेक्स्ट 10 ओवर था, नेक्स्ट 10 ओवर में मारे 90 रन मारे, तो 10 में 90 मार दिए फिर उन्होंने, तो बचे कितने, 110 बचे 10 ओवर में। अभी गेम ऑन है, 10 ओवर में 110 मारने, जो नेक्स्ट के 5 ओवर गए, बहुत ज़्यादा प्रेशर था अपने ऊपर, तो 5 ओवर में फिर गए 50 गए, 60 मारने 5 ओवर में। देखो मैच पूरा फंसा हुआ है,
अंत तक जो लेके जा रहा है, मतलब वो फाइट कर रहा है, बोर्ड आया, प्री बोर्ड आया, प्रैक्टिकल्स आया, लेकिन वो फाइट कर रहा है, फ्रस्ट्रेट है, ठीक है, डिप्रेस है, ठीक है, बहुत सी रातें ऐसी गई जो सोया नहीं, बिना बिना खाए पिए, कभी ऐसा भी हो गया कि खाना नहीं खा पाया, पूरी रात पढ़ाई कर रहा है, चल रहा है, लड़ रहा है, दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड, चलता है, प्रोसेस है, हर कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है लाइफ में। कुछ भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है जो सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है। गेम अभी भी ऑन है, 5 ओवर में 60 चाहिए। एट द एंड क्या हो गया कि लास्ट ओवर में 15 चाहिए था। देखो ये सब तब हो रहा है ना, ये सब तब हो रहा है जब स्टार्टिंग में चीजें सही तरीके से नहीं हुई। अगर तुम जो 11th जिसने जस्ट स्टार्ट किया, उन लोगों के लिए मुझे क्या बोलना है कि आप स्टार्टिंग में ही 10 ओवर में 70 मारते चलते, मतलब कि फिक्स कर लेते कि रोज 6 घंटे पढ़ना है, मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई करनी ही है, तो ये गेम फंसता नहीं। लेकिन मान लो अगर जो लोग ने शुरू में पढ़ाई नहीं करी, टाइम वेस्ट कर दिया, उन लोगों के भी हाथ में देखो लास्ट टाइम तक गेम रहता है, 1 ओवर में 15 रन चाहिए। बी और सी में, बी ने अपना विकेट गिरा दिया और सी ने क्या किया, 15 रन मार दिया। 15 रन मारना कितना सिंपल है, देखो 2 छक्के, 1 चौका, 4 चौके, 3 चौके, 3 सिंगल, 3 चौके, 1 डबल, 1 सिंगल, कितने तरीके से तुम 1 ओवर में 15 रन बनाया, 3 छक्के मार दो, ठीक है। तो करना क्या है, अच्छा फिनिशर बनना है, विनर बनना है, बाजीगर बनना है, जो नाम तुम्हें पसंद हो वो आप अपने लिए सेलेक्ट कर लो, लेकिन उसी टैग के साथ जाओ। लूजर का टैग लेके मत रहो, क्विट क्विट करने का टैग लेके मत रहो। रीजन क्या, ये जो टैग आता है ना अपने पास, वो सिर्फ अपने पास आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो टैग हमारी फैमिली के साथ भी लगता है। अगर वो टैग मिल जाता, मान लो मुझे वो टैग मिल गया कि मैं ठीक है, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, मैं क्रैक नहीं कर पाया, मुझे लूजर का टैग मिल गया, तो अगर मेरी फैमिली में फर्क नहीं पड़ रहा है तो चलता है। नहीं सोचो ना, वो टैग तुम्हारे साथ लगेगा, साथ में तुम्हारे छोटे भाई के साथ लगेगा, तुम्हारी फैमिली को वो टैग लगेगा। तो फाइटर बनो, गेम पलट सकते हो, आखिरी टाइम तक गेम जीत सकते हो। सेल्फ मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन सबकी लाइफ में होती है, असली फाइटर वही होता है जो फ्रस्ट्रेशन में फिर से खड़ा होता है और गेम को पलट देता है। तो कोई भी कंडीशन हो, आज से डिसाइड करोगे तो तुम जीत जाओगे।